क्यों आए हैं एसपी ऑफिस, क्या विषय है? सर जी, कल घटना घटित थी। जो मेरा नाम सलीम पिता सुल्तान है, रामेश्वर टेकड़ी का रहने वाला हूँ मैं, ऑटो चालक हूँ। और सर, रात में 10:30 बजे रात 12 तारीख जो घटना हमारे साथ घटी है सर, घर में घुस के तोड़ फोड़ करके चाकू और पाइपों से हमको मारा गया, मुझे मेरे बच्चे को, मुन्ना को। सर, हम सीधे वहाँ से रामेश्वर चौकी भागे, वहाँ पे हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई, फिर हम मोगड़ गए सर, तो वहाँ पे हमारी रिपोर्ट दर्ज की गई सर। और जो हमको छोटी मोटी धारा लगी है उन्होंने उनके ऊपर सर, जो हमको चाकू चाइना से मारा है, पाइपों से मारा है सर, हमको वो धारा उन पे कायम की जाए सर। मतलब धारा बढ़वाना चाहते हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है, क्या क्या नाम है? रुपेश और उसके बच्चे, चारों लड़के हैं। घटना काय बात को लेके हुई सर? एक कचरे के ढेर पे सर, मेरे बच्चे से हुई थी सर। वो उसकी लड़की ने कचरे का ढेर रास्ते में लगा दी थी, तो मेरे बच्चे ने बोला कि बहन यहाँ क्यों लगी तूने कचरे का ढेर, तो उससे गाली गलौज बकने लग गई, बोले तेरे बाप का रोड है क्या। उस पे से सर ये घटना घटी है। अच्छा, आपने ही मारा था क्या उनको या उन्होंने? नहीं सर, हम तो लेटे थे सर घर के अंदर। अच्छा, और इन्होंने कहाँ चाकू मारा? चाकू मारा पेट, चाकू के निशान तो कहीं है नहीं दिखा। श्रीमान ये देखिए, ये है और पीछे और एक पाइप यहाँ पड़ा है सर। दिखाओ पेट का निशान, दिखाओ पहले। जी, चाइना के चाकू थे सर उनके। अच्छा, और हमारा हाथ पे मारा सर। अच्छा, हाथ पे और इधर पीछे सर, एक दिखाओ। अच्छा, चाइना के चाकू से मारा है। जी, जी सर। चाइना का चाकू कैसा होता है? मतलब लाल कलर का आता है वो, बटन लाल बटन जलता है उसमें, सब इतने बड़े बड़ी आती पट्टी है। अच्छा, कितने लोगों ने मारा? सब नहीं आए, किसी एक आदमी ने मारा? तीन जन ने मारा मेरे को, दो के हाथ में पाइप थे, इसके हाथ में पाइप थे, और तीनों बच्चों के हाथों में हथियार थे धारदार छोटे वाले। अच्छा, और बोले तेरे को जान से मार डालेंगे कभी रिपोर्ट लिखाने गया तो सर। अच्छा। उसी में भागा वहाँ से सर, मेरा बच्चा और मैं। एफआईआर तो पुलिस ने कर दी आपकी? जी, मेडिकल भी हो गया सर मेरा। अच्छा, फिर अब क्या चाहते हो आप? सर, मैं चाहता हूँ कि उन पे बड़ी से बड़ी धारा लगे, और जो धारा बनती है पाइप और चाकुओं की, वो धारा लगे सर। अच्छा। बस इतनी विनती है मेरे से। क्या नाम बताया आपने? सलीम पिता सुल्तान, रामेश्वर टेकड़ी का रहने वाला हूँ, ऑटो चालक हूँ श्रीमान। अच्छा, आपको अभी कुछ दिन पहले और किसी ने मारा था? जी जी, ऑटो वाले से हुई थी। तो ये वही वाले लोग हैं, अलग हैं ये? सर, ये मेरे को नहीं पता, पर है उनके रिश्ते में शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा, क्योंकि ये भी गाड़ियाँ चलाते हैं और वो भी गाड़ियाँ चलाते हैं सर। अच्छा, उसका भी परिवार चार चक्का चलाता है, इसका भी परिवार चार चक्का और ऑटो चलाते हैं श्रीमान। अच्छा, खुद इनकी रिश्तेदारी हो इसका मुझे पता नहीं श्रीमान। तो आपसे ही विवाद क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि आप खुद विवाद करते हो फिर? अब बार बार आपसे लोगों के विवाद हो रहे हैं तो सर ऐसे? सर, पहली बात तो मैं तो खुद गमी में हूँ सर, मेरे सर, एक बच्चे को मार डाले सर 2021 में 20 जनवरी को, यहाँ से मारते हुए ले गया सकलेजा के सामने से। कौन? गोरखपुर गाड़ी के अंदर से सर, ये सादिक, गोलू, दीपक, लखन, साद, इन्होंने सर, और मेरे कहने वीडियो फोकस सब है सर। मैंने किसको मारा? किसको मारा? मेरे बच्चे वाजिद को सर। अच्छा, मार डाला सर। क्यों मारा था वो, कब की बात है? 2021? हाँ, 20 जनवरी सर। क्यों मारा था? क्या सर, उसके पैसे छिनाते थे सर हमेशा। अच्छा, अच्छा। और उस दिन सर उसके हाथ पैर तोड़ के, गला काट के, और उसको गोरखपुर गाड़ी के अंदर 25-41 गाड़ी के अंदर बिठा के ले गए। 5 गवाह श्रीमान मेरे कहने। उसमें हुई क्या 302 वगैरह? 302 नहीं, मेरी अभी कायमी नहीं हुई सर। मैंने आईजी द्वारा आदेश भी लाया कोतवाली में एसपी साहब कहने, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है ना उनकी गिरफ्तारी है। मेरे कहने 5 गवाह भी, सब फुटेज भी है मेरे कहने श्रीमान। आपको ढाई साल से घूम रहा है हमारा बच्चा हमारा, जब से थाने जाते, कचहरी जाते, यहाँ पर आते, एसपी के पास जाते, कोतवाली में जाते, कोई सुनवाई नहीं होती, और सब मुजरिम यही के 6 नंबर प्लेटफॉर्म के, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। आज तक उसका कातिल का पता ही नहीं चला। उसके मरने के दूसरे दिन हमारे को शाम तक खबर मिली, रात के 9 बजे वो मर गया। ये सकलेजा के सामने मारा, मस्ताना लस्सी के सामने से मारते हुए लेगा, उसके हाथ पे तोड़ के और गला काट के लेकर गया। कहाँ मिली थी उसकी लाश? ये वागोड़ा में मिली सर, बरानपुर के एक गाँव आगे। अच्छा, 5 किलोमीटर वागोड़ा में मिली। वागोड़ा में ये घटना कब की है? 2021 20 जनवरी, सकलेजा के बाजू में। सकलेजा के सामने हुआ था झगड़ा सर। अच्छा, झगड़ा हुआ था? हाँ सर। ये इसमें आपका बच्चा कौन सा है? ये लंगा जो खड़ा है, नंगा खड़ा है। हाँ सर, ये जो नंगा खड़ा है आपका बच्चा है? वाजिद। वाजिद जी, ये क्या करता था? सर, पत्ती बेचता था ये मेरा बच्चा, पत्ती। अच्छा, बकरियों की पत्ती बेचता था। और ये मारने वाले कहाँ रहते हैं? मारने वाले 6 नंबर प्लेटफार्म और धरानपुर के, बुरहानपुर के हैं। यही रहते थे, अब तो इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक? दिखाए थे हमने, कोई सुनवाई नहीं। महाराष्ट्र पुलिस, गला कटा हुआ था। हाँ, कटा है ना। महाराष्ट्र बॉर्डर पे था क्या मामला? मामला मर्द जो लाश मिली रावेर में। अच्छा, रावेर में हुआ।
तो उन्होंने बोला जो हमको चीज मिली हमने वापसी दे दी, अब पुलिस की जिम्मेदारी एमपी की तुम्हारी, जो झगड़ा एमपी में हुआ वो तुम्हारी एमपी पुलिस करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं हजार बार नहीं तो एफआईआर कहाँ पे रजिस्टर्ड हुई? अगर गला कटाव मिला तो 302 तो हुई होगी ना रावेर में? रावेर में हुई, पर उन्होंने बोले झांकी पुलिस बोले हमको वहीं मार के फेंक दिया हो तो हमारे उधर हम क्या कर सकते हैं इसमें। डीएसपी एसपी साहब सबको मैंने, कितनी उम्र थी इसकी? 18 साल सर। अच्छा शादीशुदा था ये? नहीं सर, कुंवारा लड़का था। कुंवारा लड़का था, उसकी मौज भी नहीं आई थी सर अभी तो। ये आईजी साहब 18 साल का बेटा था मेरा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2.5 साल से हम चक्कर लगा रहे थाने कचेरी कोतवाली। नहीं तो इसमें कार्रवाई रावेर हम रावेर गए, बरानपुर गए, भुसावल गए, फेजपुर गए, सब दूर गए। वो कहते खंडवा में कार्रवाई होगी, खंडवा वाले कहते भुसावल में। नहीं वो भुसावल में ही होगी, जहाँ डेड बॉडी मिलती है वहीं होती है। 20 जनवरी को मैंने दिया था कोतवाली में 2021 में ही आवेदन इशू करके दे दिया, उस पर कोई सुनवाई नहीं, यहीं से पुलिस पकड़ के ले जा सकती। नहीं नहीं वो देखो जहाँ पे घटना होती है ना वो वहीं पे ही कार्रवाई होती है, वो पुलिस जाएगी वहीं की जेल रहेंगे। हाँ। वहाँ पे होगा मेन पूरी कहानी। खंडवा के रहने वाले जिन्होंने मार के फेंके हैं उनको सजा नहीं मिल रही सर। आईजी आदेश ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीदा है। ठीक है, ठीक। जी हाँ, अब दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात। बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंथाना रोड, खंडवा।